अथर्व ने पूरे घर वालों के सामने मांगी माफी, साथ ही इमली के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सीरियल इमली में आप देखेंगे कि आज अथर्व को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है। मुझे बोलती नहीं की तरह की कोई गलती नहीं है, उसने आपका एक्सीडेंट नहीं किया। मैं अगर तुम्हारी बात मान लेता मेरी ईगो हर्ट हो जाती। हाउ कैन बी आई सो स्टूपिड यार। पूरे परिवार के सामने तो माफी मांगता है, साथ ही इमली के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है अपने सारे किए के लिए, क्योंकि उसे आज तक इमली को लेकर और पूरे परिवार को लेकर कितनी बड़ी गलतफहमी थी। अथर्व आज तक हमेशा इमली को गलत ही समझता आया था। आज जब चीनी का सच अथर्व के सामने आ गया है तो अथर्व महसूस कर रहा है कि उसने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ और खासकर इमली के साथ कितना गलत किया है। इमली हमेशा कहती रह गई कि आपका एक्सीडेंट धैर्य ने नहीं करवाया, पर इस बात को कभी अथर्व ने माना ही नहीं और आज जाके अथर्व के सामने जब सच आया है तो वो इमली से नजरें नहीं मिला पा रहा है। अब देखना यह है कि क्या इमली अथर्व की इन सारी गलतियों के लिए उसे माफ करेगी।